अगर आप दिखाओगे तो यहाँ पर आपको शेषनाग जी हैं, शेषनाग जी हैं जे गुप्त में, इधर पार्वती जी है उस तरफ जे साक्षात। इसमें आप जितना भी जल चढ़ाएंगे इतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल परमंडल का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। जम्मू से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित परमंडल अपने साथ कई ऐतिहासिक सत्य अपने में समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि उत्तर भारत का ये सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जब हरिद्वार तक जाना असंभव होता था तब उत्तर भारत के राज्यों के लोग, जिसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है, यहाँ के लोग भी पूजा विधि और कर्म कांड के लिए इस तीर्थ स्थान पर आते थे। सावन का महीना है और आप सभी जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव को पूजा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे देवस्थान में लेकर जा रहे हैं, यहाँ के दर्शन करना हमें लगता है कि आपको इस सावन के महीने में बहुत आवश्यक है। इस समय जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ से दो तरफ रास्ते जाते हैं। एक तो सामने जो है वो बड़ी ब्राह्मणा की तरफ रास्ता जाता है और इस तरफ जो मेरे बिल्कुल पीछे है ये रास्ता जो है ये परमंडल देवस्थान की तरफ जाता है। तो आइए चलते हैं परमंडल देवस्थान की तरफ। सांबा जिला के अंतर्गत पड़ते सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल परमंडल मोक्ष और सौंदर्य का संगम है। छोटी काशी के नाम से विख्यात तीर्थ स्थल परमंडल के मुख्य परिसर में भगवान शिव के दो मंदिर समर्पित हैं, जिनमें से एक में काशी विश्वनाथ और दूसरे में उमापति के रूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा परमंडल में भगवान कृष्ण और श्री राम का समर्पित मंदिर भी है। मंदिर का जलकुंड भी आश्चर्यचकित कर देता है क्योंकि इसका जलस्तर सदियों से स्थिर है, ना ये बढ़ता है और ना किसी परिस्थिति में ये कम होता है। जबकि मंदिर के बाहर जल निकासी का कोई मार्ग नहीं है। प्रकृति के रहस्यों से लैस परमंडल बाहें पसारे हर उस व्यक्ति को रोमांचित कर देता है जो एक बार वहां आता है। कहते हैं कि परमंडल में मंदिर परिसर का निर्माण 6वीं और 8वीं सदी के बीच राजा बेनीदत्त द्वारा करवाया गया था। एक लंबी यात्रा के बाद हम परमंडल देवस्थान में पहुंच गए हैं। काफी शांति का अनुभव हमें यहाँ पर हो रहा है
और इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये स्थान हम आपको बताएं, इसे गुप्त गंगा कहते हैं। इस समय सावन माह है तो इस कारण यहाँ पर पानी दिख रहा है। जो जानकारियाँ हमें यहाँ पर लोगों ने दी उसके मुताबिक ये जो जैसे वहाँ पर रेत है, सामने अगर आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर रेत है। इस रेत को, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो पानी तो दिखेगा नहीं क्योंकि गंगा जो है वो गुप्त है, तो इस रेत को जब आप इससे ऐसे करके करेंगे तो इसके नीचे से पानी निकलेगा। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोदेंगे तो इससे पानी निकलेगा और उसे ही यहाँ पर गुप्त गंगा कहते हैं। इसका क्या महत्व है ये हमें जानकारी देंगे। अच्छा, ये आप मुझे थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं? अच्छा, ये गुप्त गंगा इसको कहा जाता है, तो पानी तो यहाँ दिख रहा है? हाँ, बहुत पानी है सारे बरसात है, बरसाती का मौसम जाकर तबाह हो जाना। नहीं मतलब मानी लाओ जिले गर्मी होती तो गर्मी च बीच में पानी है। अच्छा, बीच में पानी खाता कटेगा ना, बीच में पानी बहुत पानी है बीच में। अच्छा, किन्ना किन्ना एक गत कटना होता? जितना मर्जी कटो, जितना डूगा कटो, इतना डूगा पानी है, जितना डूगा इतना डूगा पानी है। अच्छा, जितना मर्जी तले जाओ, जितना मर्जी जाओ, बस ये पुल बने ना, जैसे ये पुल बने ना, ये पुल पहले लेके बहुत डूगे है नीचे, बड़ा डूगा, ये नीचे में पानी है, पानी बहुत पानी है, तो बहुत पानी है। ते जिले इतने लोग आते हैं तो गुप्त गंगा च की मतलब ये महत्व के महत्व जल कोई फुल छोलो प्रधान होना, खाता करना बीच में दबलाना, जला कोई बारिश पौती तो सारा समत हो गया, वो सारा निकल जाता, बिल्कुल साफ होता, वो हड्डियां भी गल जाती, सारा कुछ कुछ लभदा नहीं, कुछ तो लभदा नहीं। ये जो जानकारी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस गुप्त गंगा का महत्व ये है कि जब आप इसे खड्डा खोदें, जितना मर्जी आप खोदें, पानी तो इसमें होता ही है। अभी तो पानी दिख रहा है लेकिन बरसात है, गर्मियों में यहाँ पर पानी नहीं दिखता है क्योंकि गंगा जो है वो गुप्त है। तो आप जितना ज़्यादा खड्डा खोदेंगे तो उसके बाद इसमें पानी आ जाएगा और जो जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके फूल जो होते हैं उन्हें प्रवाहित किया जाता है हरिद्वार में जाके। तो यहाँ आकर लोग जो हैं उस खड्डे में उनको रख देते हैं, ऊपर से रेता डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो पिघल जाती हैं। इस वक्त हम जो मेन स्थान है वहाँ पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर आनंद किशोर शास्त्री से मिले हैं। ये हमें इस मंदिर की महत्वता के बारे में बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी जो है वो हमें देंगे। उत्तरी भारत में सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो परमंडल है, इसका नाम उमापति महादेव है। अच्छा, हमें साथ साथ में अगर आप दिखाते चलें, ये सामने उमापति, सामने ये उमापति मंदिर है, ये धर्मराज जी का मंदिर है, ये वाला ये धर्मराज जी, जिसे युधिष्ठिर के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, ये धर्मराज जी का है। ये आगे देखिए शारदा माता जी का है, शारदा माता जी का है। जही पर कृपा करहि जन जानी, कवि और अजर नचा वही वाणी, मोरे हित हर सम नहीं कोई, जही अवसर सहाय सो होई। ये शारदा माता जी का विद्या बुद्धि सुख शांति देती है। ये सामने उमापति महादेव जी का मंदिर है जो मेन स्थान, उमापति महादेव लिखा हुआ है, ये द्वार बना हुआ है, प्राचीन द्वार है। अच्छा, ये देखिए दरवाजे इनके पुराने जमाने के बने, पुराने जमाने के बने हैं, 2500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। अच्छा, ये नीचे देखिए जो लिखाई है, ये 2500 वर्ष पुरानी जो लिखवाई है, उर्दू की लिखी है, कोई फारसी की है, ये है जो साक्षात भगवान आ पहुंच गए हैं। आइए, ये सामने वाला जो स्थान है ये वो स्थान है जी, वो स्थान है। आइए आइए, ये देखिए आप
जे उमापति महादेव जी की मूर्ति, जे सर्पाकार शेषाकार जो जल चढ़ाते हैं इसी स्थान पर चढ़ाते हैं। अच्छा। जे नीचे जे देखिए ना, ये सर्पाकार सांप की तरह बना हुआ है जे, जे देखिए जे सांप की तरह पूरा बना हुआ है। शेषाकार जो भी आप मनोकामना करोगे, ये बीच में अगर आप दिखाओगे तो यहाँ पर आपको शेषनाग जी हैं, शेषनाग जी हैं। ये गुप्त में इधर पार्वती जी हैं, ये साक्षात। इसमें आप जितना भी जल चढ़ाएंगे इतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। जो भी आप मनोकामना अपने हृदय से करेंगे वह परिपूर्ण होगी। इसके नीचे जो है वो देवका है, और गंगा जो आपको पता ही है जो दो बहने हैं, देवका बड़ी बहन है, गंगा जो है वो छोटी बहन है। तो श्रावण मास चल रहा है, इस वक्त श्रद्धालु जहाँ पर आते रहते हैं, कोई पंजाब से आ रहे हैं, कोई कर्नाटका से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। एक इधर की जो आस्था है श्रद्धालुओं में, जहाँ पर रुद्राभिषेक का बहुत ही महत्व है, इधर मैं सभी से विनती करता हूँ कि सोमवार या श्रावण मास में जो भी दिन आते हैं, इस दिन इधर आके आप रुद्राभिषेक करें। जे शुद्ध महादेव और जे शुद्ध महादेव में बड़ा है ये परमंडल, रुद्राभिषेक का जहाँ पर बहुत ही महत्व है। बोल शंकर भगवान की जय। इससे जुड़ी कथा के अनुसार राजा बेनीदत्त की एक पुत्री के सर में अक्सर पीड़ा रहती थी, जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं होती थी। एक दिन एक साधु ने राजा को बताया कि ये कन्या पूर्व जन्म में गिद्धी थी, वह राजा के हाथों ही शिकार के दौरान मारी गई थी। ये सुनकर राजा ने शिकारगाह में खोज के लिए आदमी भेजे। आखिरकार उन्होंने बताया कि राजा का चलाया गया तीर गीदड़ के कंकाल के सर वाले हिस्से में गड़ा हुआ है। इस तीर को निकालते ही राजकुमारी के सर की पीड़ा भी खत्म हो गई। आज भी मंदिर परिसर की एक दीवार उसी गीदड़ी के सर की प्रतिमा स्थापित है। पुराणिक कथाओं के माध्यम से भी परमंडल का महत्व अनूठा है। कथाओं के अनुसार कश्यप ऋषि ने भगवान शिव से अनुरोध किया था कि वो प्राणियों के मोक्ष हेतु पवित्र नदी देविका को यहाँ प्रकट करवाएं। भूमिगत बहती हुई यही देविका नदी आज तक आस्था और मोक्ष का प्रतीक और साधना मानी जाती है। आस्था और ईश्वरीय उपस्थिति के एक अद्भुत मिश्रण के साथ साथ मोक्ष के लिए परमंडल और काशी का महत्व एक समान समझा जाता है। 1843 में महाराजा गुलाब सिंह परमंडल को धार्मिक राजधानी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर परिसर के पुनः निर्माण करवाया था। साथ ही उन्होंने धर्मशाला और सराओं का निर्माण भी करवाया। महाराजा गुलाब सिंह ने परमंडल को पंज
कोशी काशी बनाने का सपना देखा था। हर महा शिवरात्रि पर परमंडल में अपार जनसमूह उमड़ता है। हर महीने अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। ये आप नीचे जो दृश्य देख रहे हैं, गुप्त गंगा। अभी तो माता पार्वती इतनी खुश है कि वो बाहर आके दर्शन दे रही है, और बीच में देखिए नंदी जी महाराज कैसे मस खड़े हैं। और ये नंदी प्रमंडल गांव है, जो प्रमंडल का स्थान है वहाँ पे हैं। और इनका एक बड़ा विशेष वो है कि ये हर दुकान पे जाके अपना जो खाने का सामान है वो लेके और बड़े आराम से चले जाते हैं। ये देखिए नीचे जो श्रद्धालु आए हुए हैं, कितने प्यार से उनके साथ खेल रहे हैं और वो कितने मस्त हैं, क्या भगवान शंकर के नंदी जी महाराज। परमंडल देवस्थान में हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं। और दूसरा, ये मंदिर बना कब और कैसे किसी को पता चला कि यहाँ पर शक्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर वास कर रही हैं, इसमें जानने के लिए हमारे साथ राजेंद्र शास्त्री जी हैं, ये विस्तार में हमें जानकारी देंगे। अच्छा शास्त्री, मैं जानना चाह रहा हूँ इस मंदिर के बारे में, कितने शिवलिंग क्यों और ये मंदिर जो है इसे स्थापित किसने किया? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनापतिम, वंदे सूर शशांक बन्नी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाशयं च वरदम, वंदे शिवम शंकरम पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शिव शंभु उमापति महादेव की जय। आज जिस देवालय में हम लोग उपस्थित हैं, इस देवालय का नाम उमापति महादेव है। देवालय देवी का नाम महानदी के तट पर दक्षिण में स्थित है, और देवी का वह नदी है जो भारत की प्रमुख 27 नदियों में जिसकी गणना होती है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरजू, महेंद्र, तनया, चरमनवती, देविका, क्षिप्रा, बेतरपति, महासुर नदी, ख्याताश्च जागंडकी, पूर्णा, पूर्ण जलई, समुद्र सहिता, कुरबंतु वो मंगलम। ये ऐसी नदी है जो मंगलकारी है, मुक्ति एवं भुक्ति प्रदान करने वाली है। और मुक्ति और भुक्ति का अर्थ यह है कि भौतिक जो सुख संसाधन है, पुत्र, कलत्र, घर, मकान, शरीर, मानसिकता, ये सारी मनोकामनाएं तो जहाँ भगवान भोलेनाथ और देविका पार्वती के रूप में व्यवस्थित तो होकर करती ही हैं, उसके साथ साथ जो हमारा सनातन धर्म के अंतर्गत पूर्व एवं पर जन्म का संबंध है, वह भी मुक्ति भी प्रदान करने के इसके लाखों साक्ष्य हमारे यहाँ पर उपस्थित और घटित हुए हैं, जिसकी हम आपको कथा सुनाना चाहते हैं कि इस देविका नदी में जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हमारी सनातन पद्धति के अनुसार हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है कि उस व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता। और जो व्यक्ति दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले हैं, यदि उनका अस्थि संचय करके यहाँ पर प्रवाहित किया जाए, अब प्रवाहित जो शब्द है वह
जमीन के ऊपर नहीं होता है, प्रवाहित पानी में किया जाता है, जल में किया जाता है। और ये सूखी नदी, इसका जो जल स्तर है वो लगभग जमीन से 2 फुट नीचे है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। और यही भारत की नहीं विश्व की एकमात्र नदी है जो अपने ऊपर आधारित है, जो स्वयंभू है, जिसका जल अपना है। गंगा, यमुना इत्यादि अनेक नदियां हैं, लेकिन वो आश्रित हैं किसी ना किसी के ऊपर। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है, और गंगोत्री जो है वो कैलाश पर्वत पर है, और कैलाश पर्वत वो है जो ग्लेशियर के ऊपर आधारित है। मान लिया जाए कि प्रकृति में कोई दुर्घटना हो जाती है, हमारे ग्लेशियर खत्म हो जाते हैं, और हमारे ग्लेशियर खत्म होने के बाद गंगा का जो स्रोत गंगोत्री है वो सूख जाएगा, और गंगोत्री जब सूख जाएगी तो हमारे जीवों का उद्धार करने के लिए जो हमारा सर्वोपरि संसाधन गंगा है वो शायद हमारा ना बचे। ऐसे ही यमुना है, वो यमुनोत्री के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही ओंकारेश्वर से नर्मदा का उद्गम हुआ है, ऐसे ही गोदावरी का, त्र्यंबकेश्वर का जो तट है उसका शिखर से गोदावरी का उद्गम हुआ है। जहाँ जहाँ से भी इनका उद्गम हुआ है, अगर वो स्थान बाधित हो जाते हैं, जिस प्रकार से पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मनुष्य अभी डर नहीं रहा है, किसी समय पर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन देविका नाम की एक ऐसी नदी है जिसके गर्भ में जल है, जो अपने ऊपर आधारित है, और वो उत्तरी भारत की ऐसी नदी, ऐसी महानदी, ऐसा तीर्थ स्थान जिसके ऊपर भगवान शंकर और पार्वती दोनों का एक साथ मिलन हो, वह उमापति महादेव भगवान शंकर जी का जो विख्यात स्थान है। इस मंदिर में आपने देखा होगा कि इसका जो जल स्तर है कुंड में वो देविका नदी के जल स्तर से लगभग 50 फुट के ऊपर है, और वह देविका के साथ संबंधित है, अर्थात देविका और भगवान शंकर जी का वो मिलन है, और वह मिलन अखंड है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जल जितना मर्जी डालो या ना डालो, वह जल स्तर वैसे ही रहता है। अर्थात शिव जो है वो शिवलिंग के रूप में स्वयंभू विराजमान है, और माँ भगवती पार्वती हमें नदी देविका के नाम पर दर्शन दे रही हैं। उमापति महादेव इसीलिए इनका नाम पड़ा है। अब इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जितने पर्व, जितने त्यौहार, जितने मंदिर, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनके पीछे कोई ना कोई इतिहासकारी कथा अवश्य होती है। तो यहाँ का जो इतिहास है वो इस प्रकार से है कि इस मंदिर में राजा बेनी दत्त नाम के राजा थे, जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने खेटक प्रवृत्ति से एक गिदड़ी को अपने बाण के द्वारा मारा, और वो गिदड़ी उनको नहीं मिली। वही गिदड़ी अगला जन्म उनके घर कन्या के रूप में प्रकटी। जब उस गिदड़ी का पर जन्म कन्या के रूप में उनके घर हुआ तो उसे शूल, जिसे पीड़ा कहते हैं, वो पीड़ा जन्मजात ही उसके सिर में पीड़ा लगी थी। वो अनेक प्रकार के उपचार करने के बाद भी वो पीड़ा का कोई निवारण नहीं हुआ। जब पीड़ा का निवारण नहीं हुआ तो ज्योतिषियों के मत से उन्हें प्रेरित किया गया कि आपने पूर्व जन्म में कोई जीव की हिंसा की है, और वो जो तीर जिसके द्वारा उसको मारा गया है वो तीर अभी भी उसके शरीर में लगा हुआ है, जब तक वो तीर नहीं निकलेगा तब तक इसकी पीड़ा जो खत्म नहीं होगी। राजा ने खोज की और वैसा ही पाया। जैसे ही उस तीर को उन्होंने निकाला, उस कन्या का जो दर्द था वो खत्म हो गया। राजा ने आकर वहाँ दर्शन किए, दर्शन करने के बाद राजा को विश्वास हो गया, और विश्वास होने के बाद उसने इस मंदिर का निर्माण कर दिया। भगवान शंकर भोलेनाथ जी स्वयंभू है, माँ भगवती स्वयं स्वयंभू है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण के पीछे बेनी दत्त जी का हाथ है। उसके बाद समय समय पर शासन प्रशासन अदल बदल, ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि ये प्रकृति जो है, इस प्रकृति का नियम है कि ये चलायमान है। जैसे जैसे रूलिंग पार्टी, जैसे जैसे राजा महाराजा आते रहे, उन राजा महाराजों ने अपनी सामर्थ्यता, श्रद्धा एवं आस्था के अनुसार इस मंदिर के विकास के लिए अनेक कार्य किए, जिनमें मुगल साम्राज्य के महाराजा अकबर ने भी जहाँ पर कुछ काम किए, उसके बाद पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी ने भी जहाँ पर कुछ काम किए, उसके बाद हमारे क्षेत्रीय जो छोटे छोटे राजा हैं, पुंछ नरेश,
गुजरात के कुछ राजा, बंगाल के कुछ राजा, उन्होंने अपने जो क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए अनेक साधन स्थापित किए जो कि आप मंदिर के सामने देख रहे हैं, जिनका आज बड़े दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ता है कि इनको संभालने के लिए शायद हम लोग कहीं नाकाम रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्तमान की जो सरकारें हैं वह इनकी ओर और ये जो हमारे आने वाले पर्यटक हैं इनकी सुविधाएं की ओर भी ध्यान दें। अब बात रही इसके विकास की, तो महाराजा रणवीर सिंह जी का सबसे ऊपर नाम आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकास यहाँ पर किया। आप देख रहे हैं इस मंदिर के साथ साथ समय समय पर वीरभद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ, नंदीश्वर जी का निर्माण हुआ, 108 11 एकादश रुद्रों की स्थापना, 1200 और कुछ शिवलिंग इस पूरे परिसर में स्थापित किए। क्यों किए कि यही एक ऐसा साधन था हमारे उत्तरी भारत के डुग्गर क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ा ऐसा तीर्थ था जहां पर आता जात बड़ी आसानी से हो सकता था, हमारे क्षेत्र के लोग पैदल यात्रा करके जहां पर आ सकते थे, सराय बनी थी, रहने की व्यवस्था थी, यहां जो ऑर्गेनाइजेशन इसे चलाती रही वो उनकी भोजन इत्यादि की व्यवस्था अच्छी तरह से करती रही, तो श्रद्धालुगण जहां खूब मात्रा में आते रहे, तो वो लोग आए और सारे लोग पूजा कर पाएं। एक छोटा मंदिर जहां पर 10-20 लोग ही नहीं, अगर 2000 बंदा आ जाता है तो 2000 व्यक्ति जो अपनी अपनी जगह बैठकर पूजा कर पाए। शिवरात्रि का महापर्व होता है, उस पर अनेक श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं और अपने अपना एक एक मंदिर बैठकर आराम से पूजा कर पाते हैं। इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश जी, उसके साथ साथ शनिदेव जी की स्थापना हुई और बाद में कालांतर में भगवान श्री रघुनाथ जी का राम दरबार की भी स्थापना यहाँ पर की गई। इस मंदिर की जो मुख्य विशेषता है वो उमापति महादेव अखंड सौभाग्य प्रदाता हैं। गिदड़ी का रोग निवारण हुआ तो जहाँ पर आने से रोगों का निवारण होता है, और जो परम शक्ति है माँ देविका में वो मुक्ति प्रदान करती हैं। हम आज श्रावण की शिवरात्रि के महापर्व पर आपके माध्यम से उन श्रद्धालुओं को जो लोग नहीं आ पाए हैं और जो श्रद्धालु आए हैं उनको भूरी भूरी आशीर्वाद प्रदान करते हैं और मनोकामना करते हैं। भगवान शंकर सबकी मनोकामनाएं पूरी करी। बोली शंकर भगवान की जय। परमंडल देवस्थान इतना पवित्र है इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज जब हम यहाँ पर आए, जो शास्त्री जी ने बातें बताई, जो लोगों ने बातें बताई, तो वो जानकर हम भी अचंभित हैं कि इतना चमत्कारी ये स्थान है और हमारे लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं, हमारे लोगों को इसकी वास्तविकता पता ही नहीं है। इस ये नीचे अगर आप देखेंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, तो ये गुप्त गंगा है। 2 फुट नीचे यहाँ पर पानी, 2 फुट नीचे होता है इस ज़मीन से। आप 2 फुट खोदें उसके बाद आपको पानी मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उनके फूल यहाँ पर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाएंगे। एक चमत्कार ही है। और भी कितनी सारी खासियत हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट का इशू है, यहाँ पर थोड़ी डेवलपमेंट हो और लोग यहाँ पर आए, इस स्थान की महत्वता को समझें, ताकि आप लोगों को और दूसरे प्रचार भी करें, ताकि और लोगों को भी मालूम हो कि हमारे जम्मू के अंदर इतना महान स्थान है, इतना पवित्र स्थान है। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।